अस्थल में मशाल जुलूस निकालकर दरिंदगी के दोषियों को फांसी की मांग उठाई। हैदराबाद की महिला डॉक्टर और सिरसी में किशोरी से दुष्कर्म के बाद जलाने की घटना को लेकर संभल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में महिलाओं ने मुंह पर पट्टी बांधकर रोष जाहिर किया। सपाइयों और महिलाओं ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। दरिंदगी के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में कार्यकर्ता और महिलाएं नगर पालिका प्रांगण में इकट्ठा हुईं, जहां से कार्यकर्ता व महिलाएं हाथों में मशाल लेकर चली। मशाल जुलूस शंकर इंटर कॉलेज चौराहा तक निकाला गया। महिलाओं ने मुंह पर पट्टी बांधकर घटनाओं को लेकर रोष जताया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या करने जैसे अपराध चरम पर पहुंच गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है। लोग बच्चों को स्कूल शिक्षण संस्थानों व बाजार में भेजने को लेकर डर रहे हैं। इस माहौल में जनता अब समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव को चाहती है। कहा कि हैदराबाद की महिला डॉक्टर और सिरसी की किशोरी से दुष्कर्म के बाद जलाने समेत कई महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कानून बनाए। देखिए आज मशाल जुलूस निकला है, प्रोटेस्ट किया है आज जो है, ये क्या जो है क्या मैसेज देना चाहती हैं? संभल की सरजमी पे नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज खास करके महिलाएं और हमारी बहनें और हमारी माएँ बेचारी अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। घर वाले अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने में डरते हैं। ऐसा माहौल आज़ादी का पहला ये मौका है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल हो गया कि लोग अपनी माँ बहनों को घर से निकालने में डर रहे हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। और मेरी मांग आज ये है, आज ये मशाल जुलूस निकाला है और छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ आई हैं अपनी बात कहने के लिए, मासूम बच्चियाँ जो 5-5, 7-7 साल की हैं, घर से बाहर खेलने उन्हें माँ बाप उनके नहीं देते, तो आज ये ऐसा माहौल है। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि कुछ तो कम से कम हया या शर्म ऐसी हो जानी चाहिए और कोई ऐसा कानून। मैं तो बाबा साहब के चरणों में जाके नमन करके उनको और ये कहना चाहता था कि बाबा साहब कम से कम संविधान में एक बात ये भी लिख जाते कि बलात्कारी को फांसी होगी और उसकी सज़ा भी जल्दी ही सरकार तय कर दिया करे। बहुत बरसों लग जाते हैं और इस वक्त प्रदेश में और देश में हमें तो सिर्फ न्याय की उम्मीद जो है वो कोर्ट से, न्यायालय से, अदालत से रह गई, बाकी तो न्याय दिलाने वाला इस वक्त कोई है नहीं। बलात्कारियों पर कोई ध्यान नहीं है, विकास पर कोई ध्यान नहीं है। ये लड़ाई कैसे हो कि राम कैसे लड़ेंगे और रहीम कैसे लड़ेंगे और मोहम्मद अली राम प्रकाश से कैसे लड़ेंगे और ज़मीन पर कब्जा कैसे होगा? सारा प्रशासन, सारे लोग जो हैं एक तरीके से ऐसे हो गए जैसे कि यहाँ माहौल अराजकता का मुद्दा, क्योंकि मुद्दा ही सुस्त भगवान दोनों ही बात है। जो हमारी सरकार बनाई है और महिलाएं यहाँ सेफ नहीं है, उनको सेफ्टी चाहिए और उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर की लड़कियाँ हैं किसी काम में जाती हैं या स्कूल पढ़ने जाती हैं, हमारे दिल में भी डर बैठ गया, इसलिए हम भी अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लिहाजा सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। बस हमारे लिए इतनी मांग है कि सरकार इसी पर एक्शन ले।